नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी तुला राशि वाले जातक जातिकाओं का। तुला राशि 3 और 4 फरवरी को चतुर्थ भाव में केतु व चंद्रमा बना रहे हैं ग्रहण दोष। जानते हैं क्या प्रभाव होगा तुला राशि पर। जैसा कि आप और मैं सभी जानते हैं, ग्रहण दोष एक अशुभ योग है। मनुष्य के जीवन पर आने वाले सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, रोग सभी कुछ ग्रहों की चाल व योग पर निर्भर करता है। कड़ी मेहनत के बाद भी जीवन में हानि होती है और अन्य लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने से भी फल मिल जाता है। जब किसी भी जातक जातिका की कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ होते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है। एक के बाद एक संकट आते हैं। नौकरी में प्रमोशन रुक जाती है, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, व्यापार में घाटा हो जाता है, जीवन में अचानक परेशानियां आने लगती हैं, बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तरक्की में अवरोध पैदा होने लगता है, छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। राहु व केतु का नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। केतु मन में भ्रम पैदा करता है, हमें शंकालु बनाता है। केतु कंफ्यूज करके काम को पूरा होने से रोकता है। व्यक्ति का पूरा समय मानसिक चिंता परेशानियों में गुजरता है। सेहत खराब रहने लगती है, जीवन में तनाव होता है, दुर्घटना का भय बना रहता है, जीवन की प्रवृत्ति ऐसे हो जाती है कि वह दूसरों की कमियां निकालने लगता है और उसमें दोष निकालने लगता है और आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। लापरवाही के कारण आप अपनी हानि करा बैठते हैं, आपके निर्णय कमजोर साबित होते हैं, आप अपने मुख से अपनी शेखी को बघारते हैं, रात्रि में अनिद्रा का शिकार होते हैं, भय आपका पीछा नहीं छोड़ता है और आप इधर उधर की बातें करके अपना समय खराब करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा हमें शक्ति देता है, छात्रों का मन एकाग्र नहीं होगा, महत्वपूर्ण कार्य आप टालेंगे और कल कर लूंगा, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, इस तरीके से कामों को टालते जाएंगे और समय बीतता जाएगा और काम पूरे नहीं होंगे। कुछ ऐसा होता है ग्रहण का प्रभाव। चौथा भाव कुंडली में सुख का है, जीवन में मिलने वाले सुखों का है। आज ग्रहण दोष आपके सुखों में कमी लेकर आएगा। जैसे माता जी का सुख आपको नहीं मिलेगा, नौकर चाकर वाहन का सुख कम मिलेगा। इन दिनों में मानसिक पीड़ा, सरदर्द, परेशानी बढ़ सकती है, नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित मामले आपके पक्ष में नहीं होंगे, पेट का रोग, गैस, एसिडिटी परेशान करेगी, आपको खांसी व हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। दवाई समय पर ले। आपके घर में अकारण परिवारजनों का मूड खराब हो सकता है, कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी रूप लेकर सभी का मूड खराब कर सकती है और आपको दोषी ठहराया जा सकता है यदि आप तुला राशि के हैं। ग्रहण दोष का उपाय करें। गृहस्थ में यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद होंगे। प्रेम संबंधों में भी आज आपको वह आनंद नहीं आएगा जिसकी आपने कल्पना की होगी। आज आपकी रुचि पेड़ पौधे, बाग बगीचों को संवारने में हो सकती है, तो कुछ ऐसे काम आपको करने चाहिए ताकि आपका दिन बड़ी आसानी से बीत जाए और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां ना हो। अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश रखिएगा। नौकरी व्यापार में भी अपने काम से काम रखिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी सिर्फ अपनी पढ़ाई से यदि मतलब रहा, इधर उधर फालतू की बातों में ध्यान नहीं लगाया, तो आज के यह दो दिन बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएंगे, अन्यथा मानसिक चिंता, परेशानियां, गलत संगति का शिकार आप हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको मां लक्ष्मी व मां सरस्वती की आराधना निश्चित तौर पर करनी चाहिए ताकि आपका दिमाग एकाग्र रहे। हनुमान जी व शिव जी की आरती करना ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति दिलाएगा। तो तुला राशि वाले उपाय करके अपने दिन को शुभ बनाएं। हरिओम, नमस्कार।